आज के इस वीडियो में हम टेस्ट टू की चर्चा करने जा रहे हैं। टेस्ट टू है निर्देश पालन की योग्यता का परीक्षण या फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत दो तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, टेबल टेस्ट या रो एंड कॉलम टेस्ट या स्तंभ एवं पंक्ति परीक्षण, तथा दूसरा है वॉच टेबल टेस्ट। आज हम चर्चा करेंगे टेबल टेस्ट की। टेबल टेस्ट में कुल प्रश्न होते हैं 10, और उस 10 प्रश्नों के लिए आपको समय दिया जाते हैं 5 मिनट। यहाँ पर प्रति प्रश्न आपको 30 सेकंड का समय मिल रहा है, और ये 30 सेकंड का समय ये पूरे पांचों टेस्ट बैटरी में सबसे ज़्यादा है पर क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपके समझने की क्षमता की जाँच की जाती है। और समझने की क्षमता की जब भी जांच की जाती है किसी भी ऐसे टेस्ट में जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की जांच की जाती है, वहां पर समय ज़्यादा दिया जाता है, वक्त थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। यही वजह है कि बाकी सभी प्रश्नों में आपको 4 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का वक्त मिलता है, लेकिन इसमें आपको 30 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा। इस 30 सेकेंड में आपको स्टेटमेंट को पढ़कर समझ भी लेना है और उसके अनुसार मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए इस टेबल में घूमना है, और घूमते घूमते जहाँ पहुँचेंगे उस जगह पर जो अक्षर होगा वही आपका उत्तर होगा। कभी कभी अक्षरों की जगह पर अंक भी दिए रहते हैं। अंक तब दिए जाएंगे जब स्तंभ या कॉलम को अक्षरों से इंडिकेट किया जाएगा, और अभी स्तंभ और अक्षरों को जब अक्षर अंदर डाला गया है तो स्तंभ एवं पंक्ति को इंडिकेट किया जाएगा अंकों से। ये हुआ स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, 4 और 5। ये कॉलम है, ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये कॉलम है, और पंक्ति हो गया जो दाएं से बाएं जा रहा है या बाएं से दाएं जा रहा है। पंक्ति 1, 2, 3, 4 और 5, हर अक्षर एक पंक्ति और एक स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये डी स्तंभ 3 और पंक्ति 3 के अंदर आता है, ये स्तंभ 3 और पंक्ति 3 का अक्षर हो गया डी। अब इसमें मूवमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, तो याद रखिएगा दो काम आपको करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ के समझने का स्पीड भी बढ़ाना है कि एक बार में स्टेटमेंट को पढ़कर कैसे समझ लें, और दूसरा उसके अकॉर्डिंगली इसमें मूवमेंट करना है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मूवमेंट के बारे में, फिर बताएंगे कि स्टेटमेंट को पढ़ के कैसे समझेंगे जल्दी से। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि पंक्ति में जब गति हमको बोली जाएगी, पंक्ति में चलने के लिए कहा जाएगा, तो पंक्ति में दो ही तरह की गति होगी। एक होगा बाएं से दाएं और दूसरा होगा दाएं से बाएं। तो बाएं से या दाएं से दो तरह के मूवमेंट होगा। एक होगा दाएं से, दाएं से बोला जाएगा तो हमको अपने दाहिने से चलना है, बाएं से बोला जाएगा तो हमको अपने बाएं से चलना है। और स्तंभ में अगर चलने के लिए कहा जाएगा तो स्तंभ में या तो ऊपर से चलने के लिए बोला जाएगा या नीचे से चलने के लिए बोला जाएगा। तो ऊपर से चलने के लिए बोला जाएगा तो इधर से चलेंगे ऊपर से, और इधर से नीचे से चलने के लिए कहा जाए तो इस तरफ से चलना है नीचे से। तो स्तंभ में गति ऊपर से होगी, ऊपर से जैसे स्तंभ 3 में ऊपर से चौथा अक्षर ए हो गया, पंक्ति 2 में दाहिने से चौथा अक्षर सी हो गया। तो जिस तरफ से चलने के लिए बोला जाएगा उस तरफ से चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और, पंक्ति 2 का चौथा अक्षर ई है, और पंक्ति 2 में बाएं से चौथा अक्षर भी ई होगा। पंक्ति 2 का चौथा अक्षर ई है और पंक्ति 2 में बाएं से चौथा अक्षर भी ई होगा। पंक्ति 4 का तीसरा अक्षर ए है, या पंक्ति 4 में बाएं से तीसरा अक्षर ए होगा, लेकिन दाएं से जब बोला जाएगा तो वहाँ इंडिकेशन रहेगा पक्का कि हमको दाएं से चलना है, तो पंक्ति 4 में दाएं से चौथा अक्षर ए हो जाएगा। तो पंक्ति में मूवमेंट हमारा होगा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। कॉलम स्तंभ में अगर मूवमेंट करना होगा तो ऊपर से नीचे, जैसे स्तंभ 3 में नीचे से चौथा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। लेकिन अगर सिर्फ स्तंभ 3 का अक्षर पूछा जाएगा तो हमेशा ऊपर से लेंगे। स्तंभ 3 का चौथा अक्षर तो पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर होगा ए। उसी जैसे कि पंक्ति में अगर पूछा जाता है, बाएं से दाएं से नहीं दिया हुआ, बोला जाता है कि पंक्ति 3 का तीसरा अक्षर, तो पंक्ति 3 का तीसरा अक्षर हमेशा बाएं से चल के लेंगे ये तीसरा अक्षर, जो चलने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे अगर आपको बोला जाता है कि चलिए,
तो आप क्या चलते हैं, सीधा चलते हैं, सामने की तरफ चलते हैं, पीछे या दाएं बाएं चलना होता है तो इंडिकेशन देना पड़ता है, बताना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है कि अपन बाईं तरफ चलिए या दाईं तरफ चलिए। ठीक उसी तरह से अगर चलने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग हमेशा बाएं से दाएं चलेंगे, और डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा बाएं से या दाएं से चलने के लिए, तब उसके अनुसार हम पालन करेंगे उसका। अब अक्षर के संदर्भ में भी हमको यहाँ पर मूवमेंट किया जाए, मूवमेंट करने के लिए बोला जा सकता है या बोला जाएगा निश्चित रूप से। जैसे कि अक्षर एक के बाएं चौथे पंक्ति में, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं, तो अक्षर के बाएं या अक्षर से बाएं, दो तरह से किसी भी अक्षर के सापेक्ष अगर हमको मूवमेंट करने के लिए कहा जाए, किसी अक्षर के सापेक्ष, किसी लेटर के सापेक्ष, तो अक्षर से बाएं या अक्षर के बाएं, दो तरह से अक्षर से बाएं या अक्षर के बाएं, ये से और के से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है पोजीशन का, एक पोजीशन का अंतर पड़ेगा। अगर बोला जाए अक्षर से तो उसी अक्षर से शुरू कर देंगे गिनना, जैसे पंक्ति दो में बाएं से चौथे अक्षर के बाएं, तो पहले हम देखेंगे कि इसका बाएं किधर होगा, तो किसी भी लेटर का बाएं, जैसे ई के बाएं चलना है तो ई का बाएं इधर हो जाएगा और ई का दाएं इधर होगा, ई के ऊपर होगा और ई का नीचे इधर हो जाएगा। तो किसी भी अक्षर के संदर्भ में दिया जाएगा बाएं या दाएं, तो हम उस अक्षर से बाईं तरफ आ जाएंगे या उस अक्षर से दाईं तरफ चले जाएंगे। तो अब बोला जा रहा है अक्षर पंक्ति दो के चौथे अक्षर से बाएं तीसरा अक्षर, से बाएं तीसरा अक्षर पूछा जाएगा तो हम यहीं से चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा, से बाएं तीसरा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा सी, और के बाएं बोला जाए तो उसको छोड़ के गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी अक्षर ई से बाएं तीसरा तो हो जाएगा सी, और अक्षर ई के बाएं तीसरा तो आंसर हो जाएगा बी। तो से और के को थोड़ा सा यहाँ पर हमको इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अदर नहीं तो उत्तर के गलत हो जाने के चांसेस हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, से और के में दिमाग में बिठा लेंगे, से का मतलब साथ लेकर चलना है, के का मतलब उसको छोड़ के गिनना है। अब दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी अक्षर के सापेक्ष दाएं बाएं या ऊपर नीचे, ये मूवमेंट हो गया। अब विकर्णवत, विकर्णवत गति, किसी भी जगह से हम इस टेबल के अंदर विकर्णवत यानी डायगोनली कितने मूवमेंट कर सकते हैं, डायगोनल का मतलब या विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने पर, तो कोने से अगर मूवमेंट करेंगे तो हमारा विकर्णवत मूवमेंट कैसे होगा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। विकर्ण जैसे पंक्ति एक का विकर्ण या स्तंभ एक का विकर्ण या पंक्ति पांच का विकर्ण या स्तंभ पांच का विकर्ण, किस तरह से हम मूवमेंट करेंगे इस तरह के विकर्ण के बारे में अगर हमको जानकारी लेनी हो तो कैसे लेंगे। पंक्ति एक का विकर्ण मतलब क्या हुआ, पंक्ति एक यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से विकर्णवत मूवमेंट, विकर्णवत गति सिर्फ एक ही कोने से हो सकती है, हम यहाँ से निकल सकते हैं इस तरह से। तो पंक्ति एक का विकर्णवत मूवमेंट, पंक्ति एक से विकर्णवत अगर हमको चलना हो तो विकर्ण हो जाएगा ए सी डी बी डी, ये पंक्ति एक के विकर्ण के अक्षर हो गए ए सी डी बी डी। उसी तरह से स्तंभ एक भी यहीं से शुरू हो रहा है, तो स्तंभ एक भी जब यहीं से शुरू हो रहा है तो स्तंभ एक का विकर्ण भी सेम यही हो जाएगा ए सी डी बी डी। स्तंभ में गति करनी हो तो ऐसे करेंगे और स्तंभ से विकर्णवत चलना होगा तो यहाँ तक चलेंगे। उसी तरह से पंक्ति एक में अगर गति करनी हो तो ऐसे करेंगे, लेकिन पंक्ति एक के से विकर्णवत चलना हो तो इस तरह से चलेंगे, मतलब दोनों पंक्ति एक का और पंक्ति
स्तंभ एक, पंक्ति एक और स्तंभ एक का विकर्ण ए सी डी बी डी होगा, दोनों का सेम ही होगा। अब पंक्ति पाँच का विकर्ण, पंक्ति पाँच यहाँ से शुरू हो रहा है, पंक्ति पाँच में गति ऐसे होगी और विकर्णोत गति हो जाएगी सी ई डी ई ई, सी ई डी ई ई, ये हो गया पंक्ति पाँच का विकर्ण। और स्तंभ पाँच का विकर्ण, स्तंभ पाँच यहाँ से शुरू हो रहा है और इस स्तंभ पाँच में, स्तंभ में गति ऐसी होगी और विकर्णवत गति होगी ई, जस्ट इसका उल्टा, पंक्ति पाँच का जो विकर्ण था जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ई ई डी ई सी, ये हो गया स्तंभ पाँच का विकर्ण। अब अगर बोला जाता है नीचे दाहिने कोने का विकर्ण, नीचे दाहिने कोने का विकर्ण, तो नीचे दाहिना कोना ये हुआ और इसका विकर्ण हो जाएगा डी बी डी सी ए, डी बी डी सी ए। तो चारों कोनों से हमें सिर्फ एक और एक विकर्ण ही मिल रहे हैं, चारों कोनों से हमें सिर्फ एक और एक विकर्ण मिल रहे हैं और वो विकर्ण है ये, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक विकर्ण मिलेगा। यहाँ से भी विकर्णोत गति एक ही पॉसिबल है, इस कोने से भी विकर्णोत गति एक ही है और इधर से भी विकर्णोत गति एक ही होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बोलता है कि स्तंभ पाँच के अक्षर सी के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो फिर यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, से सी के विकर्ण, तो सी का विकर्ण शुरू होगा ई डी ई ई, तो सी के विकर्ण का तीसरा अक्षर पूछा जाएगा तो पहला दूसरा तीसरा यह होगा। लेकिन पंक्ति पाँच का विकर्ण पूछा जाएगा तो सी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अक्षर सी का विकर्ण बोला जाएगा तो हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में जो अक्षर बच गए, इन चारों कोनों के बीच में जो अक्षर हैं, इनका यहाँ से हमें विकर्णवत दो दो रास्ते मिलेंगे। जैसे अक्षर बी, अक्षर बी का विकर्ण इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा, ये हो जाएगा अक्षर बी के विकर्ण का ऊपर विकर्ण, अक्षर बी के विकर्ण का अक्षर बी का नीचे विकर्ण, अक्षर बी का ऊपर विकर्ण, अक्षर बी के नीचे विकर्ण, ये हो जाएगा ई ए ई। उसी तरह से अब यहाँ से जब दो रास्ते निकलेंगे विकर्णवत, तो दोनों का नाम देना पड़ेगा, तब जाकर हम सही जगह पर पहुँचेंगे। अगर बोला जाता है कि अक्षर ए के विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो हमारे पास दो विकर्ण, दो तरफ विकर्णवत जाने का रास्ता मिलता है, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। तो सही जगह पर पहुँचने के लिए निर्देश में निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए कि अक्षर ए के विकर्ण ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर, या अक्षर ए के नीचे विकर्ण का दूसरा अक्षर। तो अक्षर ए के ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर हो जाएगा सी पहला हुआ और ये सी दूसरा हुआ, और नीचे विकर्ण का दूसरा अक्षर ई ए। उसी तरह से इस ए बी सी का भी होगा, ऊपर विकर्ण नीचे विकर्ण, दो विकर्ण और रास्ते मिलेंगे बी ए डी इसका, और इन तीन अक्षरों का एक को बोलेंगे ऊपर विकर्ण, दूसरे को बोलेंगे नीचे विकर्ण। उसी तरह से बी सी डी, यहाँ से भी हम विकर्णवत दो तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे अगर सी से हमको विकर्णवत चलना हो तो हम ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। तो जब सी से विकर्णवत ऐसे चलेंगे तो इसका हो जाएगा सी ए, और अगर इधर जाते हैं तो विकर्ण मिलेगा, विकर्ण के अक्षर होंगे ई और बी। तो अगर प्रश्न में हमें नहीं स्पष्ट बताया जाए कि सी से किस विकर्ण की तरफ चलना है तो हम सही जगह पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए प्रश्न में निश्चित रूप से ये दिया गया रहेगा कि अक्षर सी के बाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर, अगर ये पूछा जाए अक्षर सी के बाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो ये अक्षर सी का बाएं विकर्ण इधर आएगा और दाएं विकर्ण उधर जाएगा, तो बाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर ए हो जाएगा और दाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर बी हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर क्लियर नहीं किया जाता है दाएं बाएं, इसका मतलब उस अक्षर तक जाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। जैसे अगर बोला जाए कि अक्षर डी के विकर्ण का तीसरा अक्षर क्या होगा, अक्षर डी के विकर्ण का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो अक्षर डी के विकर्ण का इधर हम तो तीसरा अक्षर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही विकर्ण रास्ता है और एक ही अक्षर हमको मिलेगा। लेकिन ऊपर की तरफ जाते हैं तब हमको तीसरा अक्षर मिलेगा, तो अक्षर डी के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो पहला अक्षर ई, दूसरा अक्षर डी, तीसरा अक्षर भी डी, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब कि वह अक्षर हमें सिर्फ एक रास्ते पर मिलने वाला है, दूसरा तीसरा दूसरे रास्ते पर दूसरा तीसरा संभव नहीं होगा, तभी इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा। अब इनके बीच में जो ये है अक्षर हैं, ये नौ अक्षर जो बीच में बचे हुए हैं, इन सब के चार चार विकर्ण होंगे। जैसे अब यहाँ से हम चार रास्ते, अच्छे डी से अगर हमको विकर्णवत चलना हो तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर नीचे भी आ सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं। चार विकर्णवत रास्ते हैं और चारों का अलग अलग नाम देना होगा। अब अक्षर डी के बाएं ऊपर विकर्ण, अक्षर डी का बाएं ऊपर विकर्ण हो जाएगा सी और ए, बाएं ऊपर। अक्षर डी का बाएं नीचे विकर्ण होगा ई और सी। अक्षर डी का दाएं ऊपर विकर्ण होगा ये दोनों ई, और अक्षर डी का दाएं नीचे विकर्ण होगा बी और डी। तो यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं उनके चार विकर्ण होंगे, बाएं ऊपर विकर्ण, बाएं नीचे विकर्ण, दाएं ऊपर विकर्ण, दाएं नीचे विकर्ण। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देता है कि पंक्ति चार के चौथे अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो इधर हमको तीसरा अक्षर नहीं मिलेगा, इधर भी तीसरा अक्षर नहीं मिलेगा और इधर भी तीसरा अक्षर नहीं मिलेगा, यानी एक ही डायरेक्शन में हमको तीसरा अक्षर मिलेगा और वो है डी सी ए, और ये हो जाएगा आंसर। हालांकि विकर्ण उसे चार हैं बट तीसरा अक्षर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर हमको नहीं बताया गया कि किस डायगोनल की तरफ मूवमेंट करना है, क्योंकि एक ही डायगोनल तरफ जाना संभव है बाकी की तरफ नहीं। तो ये हो गया विकर्णवत मूवमेंट। अब दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के दिशा में या क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी जैसे चलती है उसके उल्टा चलना या एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी चलती है उस दिशा में चलेंगे तो दक्षिणावर्त मूवमेंट होगा। हाँ, अगर बोला जाता है कि अक्षर डी से दक्षिणावर्त चलते हुए डी तक पहुँचिए या नीचे दाहिने कोने पर पहुँचिए, तो आपको सीधा ऐसे नहीं आ जाना है, मतलब यहाँ से चलकर हमको ए तक आना पड़ेगा और फिर यहाँ से चलते हुए डी तक आना पड़ेगा। ये हो गया दक्षिणावर्त मूवमेंट। तो हमेशा एंड टू एंड चलेंगे, दक्षिणावर्त मूवमेंट जब भी बोला जाएगा, या वामावर्त मूवमेंट जब यहाँ से चलेंगे तो ऐसे आके फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये होगा वामावर्त, मतलब घड़ी जहाँ, अब वहाँ से घड़ी के सुई के अनुसार चलना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा हम किनारों से होकर चलेंगे, बीच में नहीं घूम जाएंगे अगर वैसा डायरेक्शन नहीं है तब। तो दक्षिणावर्त अगर बोला जाता है ई से दक्षिणावर्त चलते हुए दूसरे सी पर पहुँचे, ई से दक्षिणावर्त चलते हुए दूसरे सी पर पहुँचे, तो ई से जब दक्षिणावर्त चलेंगे तो हमको पहला सी ये मिलेगा और दूसरा सी यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से वामावर्त और दक्षिणावर्त, मतलब जब भी चलेंगे तो किनारों किनारों से होते हुए पहुँचेंगे उसी जगह पर। ये हो गया दक्षिणावर्त, घड़ी के अनुसार मूवमेंट वामावर्त या दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ शब्द जैसे अगल बगल के अक्षर, पूरी तालिका के मध्य अक्षर के अगल बगल का अक्षर क्या है? तो पूरी तालिका के मध्य के अक्षर के अगल बगल में ई और सी, अगल बगल मतलब दाएं और बाएं लेंगे, ऊपर नीचे बोला जाएगा तो ये डी और ए हो जाएगा ऊपर नीचे। और पूरी तालिका के मध्य अक्षर के इर्द गिर्द कौन अक्षर, कौन कौन से अक्षर हैं? तो पूरी तालिका के मध्य का अक्षर ये हुआ, इसके इर्द गिर्द सी डी ई सी डी ए ई ई, ये सारे अक्षर आ जाएंगे। इर्द गिर्द मतलब जो ऊपर है विकर्णवत है, दाहिने है विकर्णवत है, नीचे है विकर्णवत है या बाएं, ये सभी अक्षरों को ले लेंगे। अगर अक्षर सी के इर्द गिर्द का अक्षर पूछा जाएगा तो डी ई बी, अक्षर ए के इर्द गिर्द का अक्षर पूछा जाएगा तो बी ई ए बी ई, ये सब अक्षर इसके इर्द गिर्द के हो जाएंगे। तो ये सारे अक्षर, अच्छा इर्द गिर्द अगल बगल ऊपर नीचे या दाएं बाएं, हाँ अगल बगल हमेशा पंक्ति में होगा, ऊपर नीचे स्तंभ में होगा, इर्द गिर्द पंक्ति स्तंभ विकर्णवत सबको ले लेंगे। तो इतने सारे हमको मूवमेंट को दिमाग में रखना है कि किस तरह से मूवमेंट हमको करना है। अब प्रश्न के अनुसार हम किस तरह से गति करेंगे, प्रश्न को कैसे पढ़ के समझेंगे और किस तरह से हम आंसर पर पहुँचेंगे, एक बार में पढ़कर कन्फ्यूजन नहीं हो, स्पष्ट रूप से हम समझ कर। तो अब एक प्रश्न के द्वारा इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से अब हम मूवमेंट करेंगे। अब एक इस प्रश्न के माध्यम से हम अब तक के जो कंसेप्ट की चर्चा कर रहे थे उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्तंभ तीन एवं पंक्ति चार को उल्टे क्रम में लिखने पर
इस तरह का जब भी प्रश्न शुरू हो उल्टे क्रम में लिखने पर या आपस में बदलने पर, जैसे पंक्ति दो को पंक्ति चार से बदलने पर बोला जाए तो पंक्ति दो के सभी अक्षर यहाँ जाएंगे, पंक्ति चार के अक्षर वहाँ चले जाएंगे, है ना। इस तरह से जिस स्तंभ या पंक्ति को बदलने के लिए कहा जाए तो उसके अक्षरों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। और उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहा जाए तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो स्तंभ तीन एवं पंक्ति चार को उल्टे क्रम में लिखने पर, अभी हम उल्टे क्रम में नहीं लिखने जा रहे हैं और अभी इस पर हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, हमारा आंसर अगर पंक्ति तीन और स्तंभ तीन और पंक्ति चार में जाएगा तब हम उसको उलटने का काम करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा आंसर ज़्यादा कहाँ है। लिखने पर पंक्ति दो के तीसरे अक्षर, अब यहाँ पर रुक जाना है आपको, पंक्ति तीन पंक्ति दो के तीसरे अक्षर, तो पंक्ति दो का तीसरा अक्षर हो जाएगा डी, तीसरे अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर, फिर यहाँ रुक जाना है, के नीचे दूसरा अक्षर हो जाएगा ए, के दाहिने कौन सा अक्षर होगा, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा। अब हमारा आंसर चला गया पंक्ति चार में और पंक्ति चार को हमको उलटना है, लेकिन पंक्ति चार को उलटने से पहले हम लोगों को स्तंभ तीन को उलटना पड़ेगा, क्योंकि स्तंभ तीन को पहले लिखा गया है, पंक्ति चार को बाद में लिखा गया है। तो स्तंभ तीन को उलटेंगे, लेकिन स्तंभ तीन को उलटने से बी पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्तंभ तीन को उलटते हैं तो ए आएगा इस जगह पर और सी आ जाएगा यहाँ, ये ए यहाँ आएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा, ये डी अपनी जगह पर रहेगा। तो पंक्ति तीन उलट, स्तंभ तीन उलट गया, अब हम लोग को पंक्ति चार को उलटना है। तो पंक्ति चार को उलटने के लिए सी आएगा यहाँ और यहाँ पर हो जाएगा डी, बी आएगा यहाँ और यहाँ पर हो जाएगा ई, हमको सिर्फ इसी से मतलब था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई। इस तरह से स्टेप बाई स्टेप पढ़ के रुकते हुए इसमें अगर मूवमेंट करेंगे तो एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपको दोबारा तिबारा इस प्रश्न को दो बार तीन बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आराम से धीरे धीरे, 30 सेकंड आपको 30 सेकंड मिलने वाला है, उसमें कोशिश कीजिए कि 15-20 सेकंड में एक बार ही पढ़कर आप प्रश्न का सही सही उत्तर निकाल लें। मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल टेस्ट के कंसेप्ट और प्रैक्टिस की विधि समझ में आ गई होगी।